बड़नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडला में गरीब किसान रमेश चंद पिता बद्री नारायण को गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है एवं उनके खेत से घर तक जाने वाला रास्ता दबंगों द्वारा जेसीबी से खुदवा दिया गया, जिसके कारण किसान रमेश चंद्र शर्मा को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह मेरा वर्षों पुराना रास्ता है, लेकिन दबंगों द्वारा इस रास्ते को खोद दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में जो नालियां बनी थी उसे भी दबंगों द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके कारण बारिश का पानी घर के आसपास और खेत में जमा हो जाता है, जिससे मेरी फसलें भी खराब होती है, जिससे मेरे घर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पैदल निकलने के रास्ते में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन को पीड़ित द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही किसान रमेश चंद्र ने तहसीलदार सुरेश नागर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने कई बार एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत की है, मगर दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। ये रास्ता कैलाश और लैंड मिल के और गना चौधरी के बीच में वाटर निकल के आई है जी, यह वाटर चलेगा तो ये रास्ता वो उसने उसकी 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 मर्जी तो इनको क्या पड़े कपड़ा निकल के यहाँ भाई। अच्छा, ये पुराना रास्ता तो 60 साल से 70 साल से देखता हूँ मैं जी, तब खोद दिया इन लोगों ने। आपका? मेरा नाम बेरूलाल। मुंबई में आए, क्या मामला था? मेरा मामला 2 साल से अटका हुआ पड़ा है। तहसीलदार साहब बार बार मेरे को तारीख बढ़ाए जा रहे हैं जी, और रास्ता न तो खुलवाते हैं ना कुछ भी नहीं, कि सोमवार को रास्ता खुलवा देंगे, दूसरा सोमवार भी निकल गया, आज मंगलवार है, जन सुनवाई में मैं आया और मेरे घर में पानी घुस रहा है, रास्ता भी मवेशी भी गड़ रही है उस खाई के अंदर, रास्ता भी नहीं खुल रहा है, मेरे बोनी भी रुक रही है, और 90 साल की मेरी माँ है, उसको अगर बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाना महंगा पड़ रहा है जी। तो अभी क्या आदेश दिए कलेक्टर साहब? अभी कलेक्टर साहब बोले हैं कि 28 तारीख को आपको आदेश कर दिया गया है और आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। ठीक, आपके तहसीलदार द्वारा आपके ऊपर किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है जन सुनवाई को लेकर? दबाव मेरे पे यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप हेल्पलाइन से रिकॉर्डिंग उठा लो जी, और मैं ये मेरा का रास्ता खुलवाया नहीं है तो मैं हेल्पलाइन से रिकॉर्डिंग क्यों उठाऊँ? दबाव के लिए क्यों, कारण क्या है इसका कि रिकॉर्डिंग उठा लो? हमने पैसा खा रखा है इन लोगों ने जी, सामने वाली पार्टी से पैसा ले रखा है। अभी भी वहाँ पे आए थे हाँ। अपर कलेक्टर साहब तो नाश्ता पानी करके ने रवाना कर दिया, मौका तो मुआयना ही नहीं किया ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।